क्या सोचा है इसका? इसकी तो किस्मत ही ठंडी है हमारी बेटी की। रहने दे अब्बा, मैं ऐसे ही ठीक हूं। अब जीते जी बेटों ने सुकून से ना रहने दिया, अब मरते हुए बेटी का गम साथ जाएगा कब्र में हमारे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हम चलते हैं भाई, चलते हैं। मैंने बुलवाया था तुम्हारे अब्बा मियाँ को, बिट्टू के रिश्ते की बात करनी थी। बिट्टू के रिश्ते की बात थी या शजी भाई के नुकसान का पूछना था? शजी भैया के अलावा भी इस घर में किसी का नुकसान हुआ है, लेकिन आप लोग अपने मातम से निकले तो कुछ नजर आए ना। सुन लिया ना अपनी बहन के मुंह से ये ताना भी? अब सुकून से सोना तुम रात को, कोई सुकून से थोड़ा ही बैठने देता है तुम्हारे अब्बा मियाँ को। ना इधर सुकून ना उधर सुकून, कटी पतंग की तरह से डोलते फिर रहे हैं बेचारे। अरे मैंने कब मना किया अब्बा मियाँ को जाने से? अरे रहने दो मियाँ, हर बात मुंह से थोड़ी कही जाती है। और तुम ना अपने मतलब के लिए मुन्ने काके बन जाते हो वाकई में। वो अब्बा मियाँ ने बुलवाया था मीटर ठीक करने के लिए। हो गया? हाँ हाँ। बदतमीजी तो नहीं की इसने? मुंह ना तोड़ दो मैं इसका, कोई बदतमीजी करे मुझसे तो। वो क्या हुआ? वो फ्यूज हो गया था। मुझे फोन करना। पापा बस ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत करने से पहले जरा सोच लेना तुम कि इस घर में तुम्हारे जैसा या फराज जैसा कोई नौजवान मौजूद नहीं है जो कभी गाड़ी के टायर चेंज करे या कभी बिजली की तार जोड़े। सॉरी। और ये जो शज्जी और मुन्ने की खुद साख्ता नफरत है ना, ये उन तक ही महदूद रहने दो, उसको हवा देने की कोशिश मत करो। आई एम रियली सॉरी। कब गिरेगी नफरत की ये दीवार?